हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए अलमेक फैशन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कुर्ता कटिंग, नेहरू कट कुर्ता कटिंग। दोस्तों, ये हम कटिंग कर रहे हैं नेहरू कट कुर्ते की कटिंग, जो कि बहुत इजी कटिंग है। इसकी चेस्ट है वह है 34, तो ये हमने 34 इंच लिया, उसका चौथा हिस्सा 34 प्लस 4 इंच इक्वल टू 12.5। इस पूरे को लेके बराबर कर देना है। ये हम बराबर करके ऊपर से बिल्कुल सीधी लाइन लेनी है हमें। ये हमने सीधी लाइन ले ली, पट्टी लेनी है स्केल। इसकी लंबाई जो है वो है 42 इंच कुर्ते की लंबाई, नेहरू कट कुर्ता। ये हमने 42 इंच ले ली, जिसमें से 42 में हमें 1 इंच बढ़ाना है और ये हमने 1.25 इंच डाउन, फिर वही 8.5 इंच 34 सीने का, फिर नीचे आप 7 इंची 7.5 इंची 8 इंची अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। और उसके बाद ये लास्ट निशान जो चाक खुलते हैं दामन, ठीक है। ये हमने फिर वही रिपीट करना है, 1.25 8.5 7.5 और ये 16 यानी 16। हमने पूरी फुल लेंथ ले ली 42 यानी 1 इंच बड़ा हमने स्केल लिया, और सारे हमारे लगाना शुरू यानी सारी लाइनें लगाना शुरू। और हमने ये सारी लाइनें हमने लगाना शुरू कर दी। आप तो पूरी लगा सकते हैं, मगर शॉर्ट पे काम हो रहा था, हम फुल काम क्यों करें, सही बात है। हमने पूरी फुल ले ली, हमने यहाँ पर ले लिया 2.75 इंच। ये शोल्डर जो है इनका ये है 17, हमने सिर्फ 2 सूत बढ़ा देना है, 17 and 2। हमने जस्ट ले लिया, ये है 8.5 इंच, ठीक है, 8.5 इंच का आ गया प्लस 2.25 इंच। 2.25 इंच पे कटता जाता है कुर्ता जो है, फिटिंग सही आती है, ज़्यादा लूज नहीं होती। और ये इसकी जो वेस्ट है पैड जो है वो है 30, तो 30 का हो गया हमारा 7.5 इंच, 7.5 प्लस 2.25 इंच। अब आते हैं हिप पर, हिप है 35.5, तो हम 35 लेके चलेंगे। यह है हमारा 35, ये 35 इंच प्लस 2.25 इंच, ठीक। इधर हमने चेस्ट ले ली, इतना 8.5 प्लस 3.5 इंच हो गया,
कि हमने पौधा लिख देनी है यहाँ पे, ये सारे 14 इंच पौधा रहे इसकी, और हम मारिक लगाना शुरू कर देंगे। ये लीजिए हमने मारिक लगाना शुरू कर दिया, इससे जो हमने चेस का जो है इससे थोड़े से दूर लगाते हैं कि गुलाई में अच्छी शेप आ जाए। हमने आर मॉडल का गोल कर दिया, यहाँ से बस थोड़ा सा इस तरीके से आप हाथ से भी कर सकते हैं, स्केल से भी कर सकते हैं, मैं स्केल से करता हूँ। ये इस तरीके से थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ जाता है, कट हो जाता है, ये वरना कोने लटके होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। हमने यहाँ से काटना शुरू किया, थोड़ा सही नहीं है इसलिए हमें आराम से कैंची चलानी पड़ रही है। हमने कटिंग कर दी है जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये हमारा फ्रंट पड़ चुका है, और हम बैक की तैयारी करेंगे। तो बैक की तैयारी करने के लिए हमें कपड़े को फोल्ड करना पड़ेगा, हमने फोल्ड कर दिया है कपड़े को, ठीक। अब इसके ऊपर हम फ्रंट रखेंगे, हमने फ्रंट लिया और उस पर सेम टच ये बिल्कुल बराबर करके रखना है हमें, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप चेक कर लीजिए इस तरीके से, आप देखिए बराबर आ रहा है क्या, जब बराबर आ जाए तो आप यहाँ से देख लीजिए 2.5 इंच ऊपर होना चाहिए यहाँ से, हमारे 2.5 इंच के ऊपर है। तो फिर यहाँ से हम लगाएंगे 3 इंच का निशान, और फिर यहाँ पे आपको 17.5 इंच का पीना है, 9 इंच कर देना है, हमने 9 इंच कर दिया। ये हमने शोल्डर जो है से 2 सूट बढ़ा देना, 9 इंच कर देना, ठीक है। तो 3 इंच हमारा ये है ही यहाँ पे, यहाँ से हमने 2.5 इंच उठा दिया, और यहाँ से 2.5 इंच, ठीक। फिर क्या हमें निशान लगाना शुरू कर देना, यहाँ लगाया, ये इस तरीके से हमने सीधा कर दिया, और ये हमने यहाँ पर भी सीधा कर दिया निशान। ये हमने सीधा कर लिया, और ये हमने राउंड ले लिया इसको, हमने पूरा चेक करके और कटिंग कर लेनी है। यहाँ से इसको गोल करना है इस तरीके से, हमें 1 फुट नीचे उतारना है इसको, नहीं सही रहता सिलाई करने दिक्कत नहीं होती। और ये हम कटिंग करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। हमने इसको पूरा काट दिया यहाँ से, हमें यहाँ से भी इसको पूरा ही काट देना है। हमारे हुए फ्रंट और बैक।
सही है। ये हमने बाजू के लिए कपड़ा लिया, हम दोनों बाजू एक साथ काटेंगे, तो दोनों को बराबर करके हम यहाँ पे इस तरीके से सही कर लेना है इसको कि आगे पीछे ना हो। ले लीजिए और इस तरीके से पट्टी है इसको थोड़ा उरे भी इससे फोल्ड में दिक्कत ना हो। हमने नापा 8.5 इंच आ गया हमारा उसको तैयार। थोड़ा सा बढ़ा लीजिए कि इसके अंदर ये किनारी है दिक्कत पड़ती है, ऊपर से नहीं सीधे गर्म खींचा। अब इसकी जो लंबाई जो है बाजू की वो है 23 इंच, तो हम लोग उसको 1 इंच बढ़ा देंगे, 1 इंच पौन इंच बढ़ा देंगे, पौन इंच बढ़ाएंगे ठीक है। ये हमने निशान लगा दिया और ये हमने नीचे वाले निशान को से सीधा कर लिया। इसके अंदर आपने देखा होगा कि लोगों की बाजू में नोक सी बनी होती है, तीरा सा होना होता है, उसके लिए हमें 3.25 इंच उठाना पड़ता है और यहाँ से उठाना पड़ता है 2.25 इंच उठा दीजिए, 2.5 इंच उठा दीजिए, 2.25 इंच लेंगे ठीक है। इसकी जो मोरी जो है वो है 10.5 इंच, ये हमारा 10.5 इंच प्लस 1 इंच हमारी बाजू जो है ये हमने 8.5 इंच का निशान लगाया है और प्लस 8.5 इंच 10 हो गया हमारा 9.25 ठीक है। हम पूरी लेंथ लेंगे और सेंटर नाप देंगे, ये है 24 इंच। 24 इंच का मतलब है उसका हाफ ले लेना है, हमने इसका रखा और इसको खेल दिया, ये हमारा सही आ जाएगा ठीक है। वो 12.5 इंच आ रही है, मतलब बाजू टाइट नहीं होगी, ये हमारी बाजू हमने और इसको ये हमने निशान लगाना है। ये हमने जो नोक बनाई थी ये हमारी नोक है इस तरीके से, इसको थोड़ा सा हमने उजा कर देना है इस साइड इस तरीके से, ये सिलाई में दिक्कत ना हो। और ये हमने बाजू को ऊपर कर लिया और इसके ऊपर ये हमने बाजू के पूरे निशान लगा दिए यहाँ से, और हम बाजू ये कटिंग करेंगे। अब ये नोक से वैसे खूबसूरती आ जाती है थोड़ी बाजू के अंदर, बस सिंपल सिंपल सी अच्छी नहीं लगती। ये हमें थोड़ा सा यहाँ से डाउन कर देना होता है, ये बाजू जो है फ्रंट में झोलना पड़े। पूरी कटिंग को कंप्लीट करके ये इसमें बांध देना है, इसलिए जो कटिंग होती है ये हम यूज करेंगे इसको बांधने में। ये हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये हम इसको बांध देंगे।
मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।